हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं ढिलोन स्टूड फार्म। इसके अधिक जानकारी के लिए आइए हम मिलवाते हैं इस फार्म हाउस के ओनर से। सर आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। राम राम भाई सर। सर सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका और आपके फार्म का क्या नाम है। सर मेरा नाम रंजीत सिंह और बग्गा खोखर में जाने जाते हैं। हमें पंजाब से श्री मुक्सर साहब और डिस्ट्रिक्ट खोखर। सर ये आपको यहाँ मेले में आए कितने दिन हो गए? अभी 6-7 तारीख को आ गए इसी मेले में। ठीक है, अभी 10 जानवर लेके आए हैं। ठीक है, अभी ये काला कांटा का बच्चा है, 14 मंथ का है, अपने घर की ब्रीड की है। ठीक है, तो सर इसकी क्या हाइट है काली कांटे की? अभी ये काला कांटा की हाइट है 64-65 वाली नाप। अभी कितना किलो वजन है इसमें? अभी होएगा कोई कम से कम 6.5-7 क्वांटल का घोड़ा होएगा। अभी 6-7 क्वांटल का घोड़ा होएगा कांटा। हाँ तो सर इसको आप और दूसरे मेलों में भी ले जाते हैं? हाँ अभी जाते हैं सारे माघी मेला में, जनवरी में आता मुक्सर में, अभी सारनखेड़ा जाते हैं, अभी जोधपुर आते हैं, अभी बलोतरा में भी जाते रहते हैं, सभी मेले चलते रहते हैं। सर इसकी क्या कॉस्ट आपने लगा रखी है अभी? अभी इसका मूल करते हैं 11 लाख रुपया। अभी कोई कस्टमर आया? हाँ अभी लगाते हैं, कोई 6 लगाता, कोई 7 लगाता, कोई 8 लगाता, ऐसे लगाते रहते हैं। तो सर इसकी क्या खासियत है? इसको खासियत है या काला कांटा अलीशान ब्लड लाइन है। ठीक है, अभी ये बहुत सुंदर घोड़े, बहुत खूबसूरत होते हैं, ठंडे होते हैं, जैसे मालिक का कहना मानते रहते हैं। तो सर इसके सिंगल्स आप सप्लाई करते हैं अगर? हाँ अभी घोड़ी पर ये बच्चा है 14-15 मंथ का ही है, अभी घोड़ी पर बड़े घोड़े छोड़ते रहते हैं। तो सर अगर कोई किसान फार्म लोग जो आपसे सीमेंस खरीदना चाह रहे हो कैसे आपके पास पहुंच सकता है? अभी वो हमारा जो मोबाइल नंबर है उसके साथ बात हो जाती है, अभी मिलने में कोई दोस्त आता था उसके साथ भी बात हो जाती है। तो सर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ अभी मेरा नंबर है 8238-1945। और सर इसके बारे में बताइए क्या खूबी है इसकी? अभी इसकी भाई साहब मत्थे और पटा 3 पैर सफेद और कलर बहुत अच्छा है, गर्दन पतली है, टांग मोटी है, ऐसे है। तो सर अगर कोई किसान भाई लोग अगर खरीदना चाह रहे हैं तो काले कांटे की क्या खूबी होती है उसके? काले कांटे की खूबी ऐसी होती है भाई साहब, काले कांटे के बच्चे जितने भी रिंग में फर्स्ट सेकंड आते रहते हैं, अभी रिंग में चलते रहते हैं। तो सर इसको प्रदर्शनी जो प्रतियोगिता में होते हैं ना अभी उसी में। तो सर इसको पर डे मेंटेनेंस के लिए आपको कितना खर्चा आता है? अभी खर्चा आ जाता है एक जानवर का 700-800 रुपया डेली में खर्चा पै जाता है भाई साहब। इसको दाने में क्या खिलाते हैं? दाने में भाई साहब गाय का दूध पिलाते हैं, चौ, जमी, चने, ठीक है, चोकर और मूंगफली का चारा पिलाते हैं, ऐसे। और सर इसको रखरखाव में आपको कुछ तकलीफ हो? ना, कोई तकलीफ नहीं, हमारे तो ऐसे है जो हमारे परिवार के मेंबर है, इसको जानवर और पशु नहीं मैं बोलते, जानवर बोलते हैं इसको, हमारे घर के परिवार के मेंबर है, हाँ इसको परिवार के मेंबर ही मानते हैं हम। हाँ हमारे परिवार के मेंबर ही है, हम इसको जानवर और पशु नहीं मानते। अपने आपके पास 10-12 घोड़े घोड़ियाँ हैं, सारे हैं बच्चे और घोड़ी, सभी 10-12 जानवर हमारे पास। तो इसकी सर आप अगर कोई आपसे खरीदना चाह रहे हैं इस मेले के अंदर तो फाइनल कॉस्ट कहाँ तक देंगे? बस दे देंगे भाई साहब 10 लाख के अंदर दे देंगे इसको। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। सर आपका धन्यवाद सर। ओके भाई।